ऑफकोर्स फलक मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगी हैं, अभी बहुत ज़्यादा फेक लगे हैं। पूजा जी तो गलत चीज़ का साथ देती हैं, पर फेक नहीं बोल सकती उनको मैं, बट उनको गलत चीज़ों का साथ उन्होंने दिया, वो मुझे लगा। जर्नी बहुत अच्छी भी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई, बट प्रॉब्लम को तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगी। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके मुझे टारगेट किया, बट ठीक है, मुझे छोटी छोटी बात के लिए एक औरत को एक एक सैनिटरी पैड को लेके बहुत ज़्यादा बवाल बनाया गया, तो उस चीज़ को तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी अब। बट हाँ, एक जर्नी ये भी अच्छी थी कि ऑडियंस ने बहुत रिस्पॉन्स अच्छा दिया आने के बाद, सो वो जर्नी आने के बाद ज़्यादा पॉजिटिव लगा मुझे। सीखने के लिए लोगों के जो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेहरे होते हैं आसपास, हमें नज़र नहीं आते, सो मैंने बहुत करीब से देखा है लोगों के रिश्ते कैसे बदलते हैं वहाँ पर, कैसे ब्लेम कर सकते हैं एक दूसरे को, कैसे टॉर्चर हो सकता है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत सीखा कि एटलीस्ट मैं ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी ना करूँ कि किसी को मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाए। सो वो सब चीज़ें मैं जब इंटर करी तो सब पॉजिटिव था ये माहौल, ऑफकोर्स क्योंकि मैं एक थॉट किस से गई थी, सब एक माहौल अच्छा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तो सब अपनी जो जैसी फितरत का इंसान होता वैसे ही सामने आता गया, सो उसमें कुछ ये नहीं बोल सकती हूँ, जैसा इंसान होगा वैसे ही सामने आएगा सब। देखिए, मैं बहुत रिज़र्व रहती हूँ और मैं बहुत जल्दी किसी के साथ ओपन नहीं होती हूँ, हाँ शायद ये रीज़न भी बोल सकते हैं कि हाँ मुझे लगता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो फेक मुझे लगे, पर्टिकुलर ऑफकोर्स फलक मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगी हैं, अभी बहुत ज़्यादा फेक लगे हैं। पूजा जी तो गलत चीज़ का साथ देती हैं, पर फेक नहीं बोल सकती उनको मैं, बट उनको गलत चीज़ों का साथ उन्होंने दिया, वो मुझे लगा। तो कुछ चीज़ें हैं लगी मुझे कुछ लोगों की। अनफेयर उनके साथ ये हुआ था कि उनको बोर्ड सबसे ज़्यादा मिले थे और अचानक उनको बेड भी नहीं दिया, वो सोफे में सो रहे थे, उसके लिए वो चिल्ला भी रहे थे बहुत ज़्यादा। बट मैंने उनको कहा भी कि ठीक है यार, गेम की तरीके से लो और आगे खेलते हैं। सो हाँ, थोड़ा बहुत लगा, बट हो सकता कि बिग बॉस ने यदि ये डिसीजन लिया या पब्लिक ने लिया, जो भी था उनके हिसाब से उसको एडजस्ट वो करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया एडजस्ट। हो सकता है। सब लोग को मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपने जितना भी मुझे आने के बाद प्यार दिया है और जितनी भी रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबका। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे देखा इतने दिन और इतने दिन में जो भी मेरा नेचर देख के अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी, आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड में। थैंक यू।